नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हिमाचल प्रदेश महिला स्वरोजगार सहायता योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। हिमाचल प्रदेश में महिला स्वरोजगार सहायता योजना वर्ष 2005 से संचालित की गई है। योजना के तहत महिलाओं एवं विकलांगों को दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में समय समय पर बदलाव किया जाता रहा है। पहले इस योजना का लाभ उन महिलाओं एवं विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किया जाता था जिनकी वार्षिक आय ₹7,500 से अधिक न हो, किंतु नए संशोधन के तहत अब आय की सीमा बढ़ाकर ₹35,000 कर दी गई है। योजना का लक्ष्य प्रदेश के सभी पिछड़े एवं पर्वतीय इलाके की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बैंकिंग एवं रोजगार परक गतिविधियों से जोड़ना है। इसके लिए प्रदेश में कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को महिला स्वरोजगार सहायता योजना से जोड़ा जाता है। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को बैंकिंग सुविधा, सरकारी योजना का लाभ एवं छोटे मोटे दुकान शुरू करने की जानकारी से अवगत कराया जाता है। इसके पश्चात योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों को रोजगार हेतु आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करने में मदद की जाती है। आइए जाने योजना का लाभ प्राप्त करने की जानकारी। हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना क्या है? योजना का उद्देश्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों एवं दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को आय के साधन बढ़ाने में सक्षम बनाना है। इसके लिए योजना के तहत कार्यरत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदेश के सभी जिले में वर्ष में 2 बार ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभा में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को समूह में एकत्रित करके स्वरोजगार के लिए सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सुविधा से अवगत कराया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे स्वरोजगार की जानकारी दी जाती है, जिससे महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके अपने परिवार की आय बढ़ाने में आत्मनिर्भर बन सकें। बीपीएल परिवार की महिलाओं को योजना के तहत स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ₹2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना में रोजगार के विकल्प क्या हैं? योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह द्वारा ग्राम सभा में कढ़ाई बुनाई, चाय की दुकान, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, चाट की दुकान, सब्जी एवं फल की दुकान आदि खोलने की जानकारी प्रदान की जाती है। इसके बाद लाभ प्राप्त करने की इच्छुक महिलाएं कार्यकर्ताओं से स्वरोजगार के विषय में चर्चा करने के पश्चात स्वरोजगार के प्रस्ताव के लिए आवेदन करती हैं। आवेदन के सभी प्रस्ताव को आम सभा में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ पर पात्र आवेदक के आवेदन को स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसके बाद स्वयं सहायता समूह महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने में सहायता करती हैं। हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना की पात्रता क्या है? महिला को हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। आवेदक महिला के परिवार की वार्षिक आय ₹35,000 वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। महिला के आय के स्रोत में मनरेगा से प्राप्त आय सम्मिलित नहीं की जाएगी। महिला की आय 18 से अधिक होनी चाहिए। महिला का हिमाचल प्रदेश के में बैंक या डाक खाता होना चाहिए। महिला स्वरोजगार के साधन की तलाश में होनी चाहिए। दोस्तों, वार्षिक आय 35,000 जो निर्धारित की गई है योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, उसमें महिलाओं के द्वारा मनरेगा से प्राप्त जो उनकी मजदूरी होती है उसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उसके अतिरिक्त 35,000 उनकी वार्षिक आय होने पर लाभ प्राप्त कर सकेंगी योजना का।
महिला प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना में आवेदन के लिए दस्तावेज क्या होने चाहिए? आवेदक महिला की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आधार कार्ड, आवेदक का वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटो कॉपी आदि आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या है? योजना में आवेदन करने के लिए महिलाएं अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं। स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ता द्वारा फॉर्म भरने में आवेदक महिला की मदद की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिला कार्यक्रम अधिकारी या महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय से भी योजना में आवेदन की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की महिला स्वरोजगार सहायता योजना की अधिक जानकारी के लिए दोस्तों इस लिंक का प्रयोग कर सकते हैं। इस लिंक पर आपको इसकी ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी। इस योजना की ये पीडीएफ फाइल है, इसमें योजना की सारी जानकारी लिखी हुई है। ये देखिए ये पीडीएफ फॉर्म, इसमें एलिजिबिलिटी और पात्रता दस्तावेज सारी जानकारी दी हुई है। यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये योजना की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।